हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और आप ये देख रहे हो हमारे चने कितने अच्छे लगे हुए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हैं और कई बार मैंने इनकी हार्वेस्टिंग भी कर ली है और छोटे छोटे फूल अब इसमें आने लगे हैं, तो काफ़ी अच्छे चने हमारे यहाँ लगे हुए हैं। इसी तरह दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारा सामान निकलता है, उसे यूटिलाइज करें, उसमें प्लांट लगाए, उसमें काफ़ी अच्छे प्लांट चलते हैं, तो हम बहुत कम स्पेस में भी गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सकते हैं। यहाँ मैंने छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी हैं और उसमें यहाँ मैंने मिट्टी को धूप लगा ली है और बीच में मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें लगा रखे हैं। गन्ना लगा हुआ है, दिवाली को जो गन्ने लेके आए थे उसी के दो तीन टुकड़े करके मैंने डाल दिए हैं क्यारियों में जगह जगह पे, तो गन्ने हमारे ग्रो हो गए हैं। और साथ में यह हजारे के फूल के पौधे लगे हुए हैं और बीच में मैं अब इसमें भिंडी लगाने वाली हूँ और भिंडी के साथ ये हमारे गन्ने के पौधे, मिर्ची के पौधे और एक पौधा बैंगन का भी लगा हुआ है। तो ये गन्ने को ऐसे कि मैंने दो तीन टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग क्यारियों में डाल दिए, सभी ग्रो हो गए अच्छे से। और यहाँ एक मिर्ची का पौधा भी लगा हुआ है और इधर मैंने पुराना लोहे का पीपा है और इसके अंदर बैगन भी लगा रखा, नीचे लहसुन भी लगा हुआ है। तो ये पीपे में मैं 4-5 साल से सब्जियां लगा रही हूँ, अभी तक तो ये चल रहा है काफी अच्छे से। तो ये आप देख सकते हो इधर लहसुन लगा हुआ है और ऊपर बैगन लगे, तो एक साथ दो सब्जी अगर हम लगाते हैं तो हमारी हरियाली बनी रहती है। और यहाँ हमारे बैगन लगे हुए हैं, आप देख रहे हो काफी अच्छे से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।